जैसे आपने डोमेन वेरीफाई कर लिया, अब आपको अपने वेबसाइट की इवेंट ट्रैक करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्सेल वेरीफाई करना पड़ेगा, पिक्सेल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे डेटा सोर्स के अंदर जाओगे और वहाँ पे पिक्सेल है, लेकिन अब क्या हुआ है, पिक्सेल अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट के अंदर जाना पड़ेगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा सेट की इवेंट मैनेजर, तो यहाँ पे आप जाओगे तो डेटा सेट के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, वो पिक्सेल कोड जो था ट्रैकिंग के लिए कोड, उसको इंटीग्रेट करना। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, तो इसको यूज क्यों करना होता है, जैसे कि आपने आपके वेबसाइट पर आपने एड लगाई और ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आए, या गूगल एड की हो, या फिर एसईओ करके आपने अपने वेबसाइट को रैंक पे लाया हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर लोगों को आपने व्हाट्सएप मैसेज करके अपने वेबसाइट डोमेन की लिंक भेजी हो, या फिर लैंडिंग पेज की लिंक भेजी हो, तो लोगों को रीटारगेट यानी कि उन्होंने अपने आपके वेबसाइट पर गए लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया है, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट परचेज भी किया है, तो वो लोगों को आपको ट्रैक करना हो और रीटारगेटिंग के लिए आपको उनको अगेन अपने वेबसाइट का या फिर अपनी एड दिखानी हो फेसबुक पर, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोड आपको अपने वेबसाइट पर सेट करना है। क्यों, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग आपके वेबसाइट पर आए कोई भी पर्सन, और वो उन्होंने आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज या ज्वाइन नहीं किया है, और उनको अगेन आपको बार बार उनको अपनी एड दिखानी हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पिक्सेल सेटअप करना होता है। सेकंड थिंग्स कि मान लो कि कितने लोग ने आपके वेबसाइट पर प्रोडक्ट परचेज की, तो वैसा भी ट्रैकिंग करना हो तो भी ये कोड आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका बेनिफिट क्या होगा वो आगे जब हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, लेकिन जब भी आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, एड अकाउंट क्रिएट कर दिया, डोमेन वेरीफाई कर दिया, तो तुरंत आपको एक डेटा सेट जो कोड है उसको भी आपको अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेटा सेट पे आना है। जैसे आप डेटा सेट पे आए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एड पर क्लिक करना है। जैसे आप एड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहले तो डेटा सेट का नेम ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली मेरी वो वेबसाइट है इसके रिगार्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे वही नाम क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे तो अगेन आपको एक कोड प्रोवाइड करेंगे वो लोग, जैसे हमने डोमेन वेरिफिकेशन के लिए कोड इंटीग्रेट किया था वैसे ही आपको एक कोड इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ पे, अपने वेबसाइट के अंदर। ओके, अब मैंने कोड तो यहाँ पे ऐड कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनिक कोड होता है, ये ट्रैक होता है। ओके, तो जो ये कोड है वो हर एक डेटा सेट के यूनिक होते हैं। ओके, जैसे कि ये हमारी वेबसाइट है marywash.com, तो एग्जैक्टली ये जो वेबसाइट है, ओके, तो इसके अंदर पिक्सेल इंटीग्रेट है कि नहीं, वो आप डेटा सेट इंटीग्रेट है कि नहीं वो चेक करना हो, एक क्रोम एक्सटेंशन है। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, वैसे यहाँ पे एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है मेटा पिक्सेल हेल्पर। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने वेबसाइट रिफ्रेश करूंगा, मान लो कि यहाँ पे कोड होगा डेटा सेट या पिक्सेल का, तो क्या दिखाया जाएगा कि अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको कोई दूसरी वेबसाइट पे ले जाऊँ, जैसे कि शॉपिफाई। ओके, तो वेबसाइट पे मैं ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 नंबर करके ऑप्शन आ रहा है, तो क्या हुआ है, इन लोगों ने इनका पिक्सेल कोड जो ये वाला वो इंटीग्रेट किया है, जैसे कि हमारी भी आईडी थी ना डेटा सेट की ये वाली, तो इनकी भी ये इन लोगों की जो डेटा सेट की आईडी है ये। ओके, इसको बोलते हैं पिक्सेल, पहले पिक्सेल बोला जाता है। तो क्या होगा कि आपको भी अपना पिक्सेल सेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, नो पिक्सेल फाउंड ऑन दिस वेबसाइट। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड सेट करना है। अब इसके लिए सिंपल है कि यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पर दिखा रहे हैं। ओके, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, स्क्रिप्टिंग कोड होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है पिक्सेल कोड फेसबुक।
ऐसा आप सर्च करो तो काफ़ी सारे अलग 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 वेबसाइट्स आएंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको ओपन करना है। यहाँ पे चलता हूँ, फेसबुक के वेबसाइट पर नहीं होगा, यहाँ पे भी ये देखो ए वाला कोड है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोड नहीं दिया, इमेज दी। तो मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे पिक्सेल का फॉर्मेट हो कोड का, वो हम कॉपी करेंगे एंड हमारी जो यूनिक आईडी है वो हम पेस्ट करेंगे। चेक करते हैं कोई अगर पर जैसे कि कॉपी का ऑप्शन आता था लेकिन अभी नहीं दिखा रहे, तो फाइंड करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, हमारी वेबसाइट है सिम्बा इंस्टीट्यूट, वो वेबसाइट पर चले जाओ एंड यहाँ पे कंट्रोल यू करना है। ओके, देन फाइंड करो फेसबुक। यस, तो आप देख सकते हो मेटा पिक्सेल कोड, तो यहाँ पे आपको जाना है, तो सिंपल कोड है, कोड कॉपी करना है आपको। ओके, मैं आपको नोट पैड में जैसे कि दिखाता हूँ, कैसे उसको चेंज करना है। ओके, तो आप नोट पैड में चले जाओ, वो जो कोड आपने कॉपी किया है इसको नोट पैड में पहले और पेस्ट कर दो। यस, आप देख सकते हो, तो एग्जैक्टली हम ए कोड जो हमने दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया है। ओके, अब क्या करना है, आपका जो कोड क्रिएट हुआ है वो कोड को कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पे ए वाली आईडी है, यस, तो इसको कॉपी करना है, इसके पर सिलेक्ट करोगे तो अभी कोड कॉपी हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे आके ये जो यहाँ पे आईडी दिख रही है, तो दोनों जगह पर आपको क्या करना है, दोनों आईडी को चेंज करना है। तो कंट्रोल एच करके भी कर सकते हो, तो यहाँ पे जो कोड है इसके जगह पर आपको यूनिक कोड सेट करना है जो आपका है वो, तो रिप्लेस ऑल करोगे तो दोनों जगह पर सेट हो गया, देखो। ओके, तो ध्यान में रखना है, मान लो कि आपको कंट्रोल एच वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एंड हो रहा है नंबर, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, कॉपी किया हुआ कोड को पेस्ट करना है। वैसे यहाँ पे इक्वल टू के बाद में तुरंत और एंड परसेंट लिखा है, एंड 3 के बाद में, तो इसके पहले इतने कोड के जगह पर आपको जो कॉपी किया हुआ वो कोड पेस्ट करना है। डन, अब इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है एंड आपको अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे एडमिन पैनल में अगेन जाना है। जैसे मैंने आपको डोमेन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि आपको सेटिंग में जाके हेडर फुटर वाला ऑप्शन जो प्लगइन है वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, क्योंकि ये एवरी पेज के अंदर एक कोड होना चाहिए, तो कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, डोमेन वेरिफिकेशन वाला था उसके नीचे कोड पेस्ट कर देता। ओके, जैसे ही पेस्ट हो जाएगा देन क्या करना है आपको, सेव, और सेव कर दोगे उसके बाद अगेन आपके अपने डोमेन पर आना है। डोमेन पे आके आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो अब ये जो कोड था वो इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करना होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना है। इसको सेव किया था हमने, यस, अब यहाँ पे आके आपको चेक करना है, सिंपल रिफ्रेश करना है एंड यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो अभी भी क्या दिखा रहा है, नॉट पिक्सेल फाउंड। अब क्या करो आप कि आपको कंट्रोल व्यू करके चेक कर लो पहले, क्योंकि आगे हमने डोमेन वेरिफिकेशन का कोड रखा था वो आ गया था। तो एग्जैक्टली क्या होगा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ने कोड कॉपी करके पेस्ट तो कर दिया है, जैसे कि मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो यहाँ पे कोड दिख रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब भी आप डेटा, ये वर्डप्रेस वगैरह वेबसाइट होती है वहाँ पे आप डेटा सबमिट करते हो तो कभी कभार रिस्पॉन्स होने में टाइम लगता है। ओके, तो थोड़ा टाइम हमको वेट करना पड़ेगा। ओके, सिंपल है कि आपको यहाँ पे हेड टैग में जाके कॉपी करके पेस्ट करना है। ओके, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो अगेन आपका एक कोड, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा कि वेरीफाई है वगैरह, देखो क्योंकि
लेकिन आपको चेक करना है अपने आप यहाँ पे जो से पिक्सल हेल्पर है, मेटा पिक्सल हेल्पर, वो टूल से, जैसे कि मान लो ये वेबसाइट है सिम्बा इंस्टीट्यूट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाँ अवेलेबल है, तो वैसे ही यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर भी दिखने लगेगा। ओके, तो जैसे ही ये पिक्सल हेल्पर, पिक्सल हेल्पर है, ये क्रोम एक्सटेंशन थ्रू यहाँ पे कोड आना लगे, मतलब शो होना लगे, तो क्या करना है कि मान लेना है कि आपको अपना डेटा सेट का जो कोड है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन ध्यान में रखना है कि यही नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे दिख रहा है नंबर, तो ये नंबर, लेकिन ये वेबसाइट डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको जो नंबर दिखे वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, मेनली तो आपका ये कोड होना चाहिए वहाँ पे वेबसाइट पर। तो जैसे ही इंटीग्रेट हो जाए, देन आपको ओपन इन इवेंट मैनेजर में जाके आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम बाद में देखेंगे, इवेंट क्रिएट कैसे करना है वो। ओके, जैसे कि यहाँ पे इवेंट क्रिएट करना होता है सर, तो इवेंट के अंदर कितना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, सो आपको इंटीग्रेट करना है।